दो ढाई महीने के बाद इलेक्शन आने वाला है, प्रियंका गांधी को लाया गया, कितना लगता है कि कितना सही है? जी मैंने मद्रास कैफे भी बनाई, मैंने परमाणु भी बनाई तो अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू हैव गुड पॉलिटिशियंस एंड गुड पीपल इन पावर, उसके अलावा तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट। नई सरकार से किस क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप अगर आने वाले दिनों में, जो भी नई सरकार बनी चाहे किसी भी पार्टी की हो, क्या उम्मीद करेंगे? जी नॉट एज एन इंडियन, अगर आप मुझे जनरली पूछ रहे हो, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, लेकिन ये मेरा ये कि जो प्रेजेंट सरकार है थोड़ी मार तो पड़ेगी लेकिन डेफिनेटली वही आ जाएगी मेरे हिसाब से। तो दिस इज़ नॉट, मैं ये नहीं चाहता हूँ, ये सिर्फ मेरा ये जनरल प्रेडिक्शन है जो हम लोग देख रहे हैं। एंड आई फील मिस्टर मोदी विल गेट अनदर टर्म। सॉरी, फिर से मोदी सरकार नहीं, मुझे नहीं लगता। आई थिंक आप किसी भी न्यूज चैनल से, अपने चैनल से पूछिए, आप सब बोलेंगे कि मे बी नॉट 220, मे बी 219, 218 सीट्स। आपको पता है एग्जैक्टली द नंबर क्या है, 100, तो हमें सब कुछ ये पता है, लेकिन हम लोग ज्यादा बोलते नहीं है क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड, और हमारा जॉब है आपको एंटरटेन करना, फिल्म्स बनाना, एंड वेरी ए पॉलिटिकल फिल्म्स। जो मेरी रोमियो अकबर वॉल्टर आ रही है इज अ वेरी पॉलिटिकल फिल्म। बाटला हाउस, मतलब अगर नॉर्थ में आप देखा जाए तो बाबरी मस्जिद के बाद बाटला हाउस एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है, तो इन सारे सब्जेक्ट्स पे मैं फिल्म्स बना रहा हूँ। परमाणु, मद्रास कैफे, विकी डोनर, ये सारे मेरे प्रोडक्शंस हैं, तो मैं इन सब्जेक्ट्स को बहुत लाइक करता हूँ, मैं बनाता हूँ। आई एंजॉय डूइंग ऑल दिस।